हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक कार एम्पलीफायर की, जो कि बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर है और इसको आप ट्रैक्टर, बस, कार वगैरह में लगवा सकते हैं। और ये एक डुअल चैनल है, इसकी मैं फुल अनबॉक्सिंग पहले कर चुका हूँ। आज मैं आपको इसमें स्पीकर रन करके दिखाऊँगा कि आपको इसके कनेक्शन कैसे करने हैं और ये कैसे चलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसे अनपैक करके आपको दिखा दूँ कि ये दिखने में कैसा है। मैं जल्दी से इसे अनपैक कर देता हूँ और आप देखिए, बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर है कार, बस, ट्रैक्टर वगैरह के लिए, जो कि उसमें आप सिंगल स्पीकर वगैरह भी चलाते हैं। मैं इसमें आपको डबल स्पीकर चला के दिखाऊंगा। सबसे पहले इसमें आपको एक MP3 रिमोट मिलता है, जो कि नॉर्मली हर ब्लूटूथ वगैरह के साथ मिलता ही है। और इसमें आप देख सकते हैं ट्रिबल बेस वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल पैनल लगा हुआ है, एक ऑन ऑफ स्विच है। और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो इसमें आपको राइट स्पीकर, लेफ्ट स्पीकर के बारे में बताया गया है। डुअल चैनल है और ये प्लस 12 वोल्ट बैटरी से चलता है। इसमें मैं आपको वायर समझा दूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने दो जो वायर पकड़ रखे हैं, इसमें आप दो स्पीकर आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो रेड एंड ब्लैक वायर आप देख रहे हैं, ये एक 12 वोल्ट बैटरी के लिए आप इसमें पावर देंगे, और पीला वाला एंटीने का वायर है। और मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी, जो कि 7 एम्पीयर की मैंने इसे यूज कर लिया तो डाउन है थोड़ी, लेकिन फिर भी ये काम करेगी। मेरे पास ये एक स्पीकर है और मेरे पास एक 8 इंची का बूफर भी है, बूफर, सब बूफर, जिसमें मैं इसे स्पीकर की तरह यूज़ करूँगा। ये देखिए, और ये है 8 ओम 150 वाट, इस पर लिखा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको जल्दी से इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ। और बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, बहुत ही आसानी से आप खुद ब खुद इसके कनेक्शन कर लेंगे और इसको होम यूज़ वगैरह में या आपको जहाँ भी इसको इस्तेमाल करना है आसानी से कर सकते हैं। पहले मैंने स्पीकर्स के 2 वायर लिए। इसमें आप देख सकते हैं 2 वायर हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, लेफ्ट स्पीकर का वायर है ये। मैंने इसको लिया और सबवूफर में कनेक्ट कर दिया। मैं सोल्डरिंग नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए इसे अटका रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान और सिंपल कनेक्शन है। ये पहला स्पीकर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मैं दूसरा स्पीकर लूँगा और उसके वायर भी कनेक्ट कर दूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव देख के। देखिए, अब हमारे दोनों ही स्पीकर कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट होने के बाद अब हम आपको दिखाता हूँ कि मैं अब आगे क्या करना है। अब जो ये आपने रेड एंड ब्लैक जो वायर देखा है, इसको आप चाहे तो 12 वोल्ट बैटरी में कनेक्ट कर सकते हैं या आप 12 वोल्ट 2 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर तक का एडेप्टर यूज कर सकते हैं या कोई पावर सप्लाई। मेरे पास बैटरी है तो मैं बैटरी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आप चाहें तो अडेप्टर या पावर सप्लाई वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जो कि 12 वोल्ट 2 एम्पियर से लेकर 5 एम्पियर तक होगी और ये बहुत ही बेहतरीन काम करेगा उस पर। और मैं इसे फ़िलहाल अपनी बैटरी पर इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं आपको कुछ ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एंटीने का वायर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। ये देखिए, मैंने ऑन किया और ये आसानी से ऑन भी हो गया। अब मैं इसे आपको ब्लूटूथ अपने फ़ोन में कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ब्लूटूथ कनेक्ट कैसे करते हैं आपको नॉर्मली पता ही होगा। अपने फ़ोन में जाइए और ब्लूटूथ के ऑप्शन पर टैप करिए और उसमें इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल सर्किट का नाम आ रहा होगा, इसमें आपको उसके ऊपर टैप करना और वो कनेक्ट हो जाएगा। नीचे की तरफ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए BT version 9 आ चुका है। इसे मैं पेयर कर लेता हूँ और ये पेयर हो चुका है। मैं YouTube पे जाऊँगा और एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग के लिए प्ले करूँगा।